कौन था वो शख्स जिसने रात के अंधेरे में आकर बिस्तर पर बीमार पड़ी सावित्री देवी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था? क्या दुश्मनी थी उसकी बुजुर्ग सावित्री देवी से? क्या ये शख्स सावित्री देवी के घर का ही सदस्य था या फिर कोई बाहरी दुश्मन? नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में आज की कहानी है सावित्री देवी की, एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही सावित्री देवी की इस तरह से हत्या करने के पीछे मुजरिम का मकसद क्या रहा हो? आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। कितने में भैया? 40 रुपया। जी कहिए। जी मैं वो मुझे मदन जी से मिलना था। हाँ जी, मेरा ही नाम मदन है, कहिए। ओह सॉरी सर, एक्चुअली मैंने आज टीना आपसे फोन पर बात हुई थी आपकी वाइफ की पर्सनल केयर के लिए। ओह हाँ हाँ हाँ, आइए आइए। ये मेरी वाइफ सावित्री का रूम है, आप चलिए, तब तक मैं ये अगरबत्तियां तुलसी के चौड़े में खोज कर आता हूँ। जी हेलो मैम। सावित्री, अब से 2400 घंटे तुम्हारी देखभाल करेंगी। मैं इनकी मेडिकल फाइल्स चेक कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक मिनट, ये लीजिए। तो ये पार्शल ऑर्गन फेलियर है। ये सुन सकती है लेकिन बोल नहीं सकती, तो आज से इनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी आपकी। बिल्कुल सर। आपका कमरा मैंने इनके कमरे के ठीक बगल में रखा है ताकि कभी भी इमरजेंसी पड़े तो आप तुरंत इनके पास आ सको। आप चलिए, मैं अभी दिखा देता हूँ। जी मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये रहा आपका रूम, जरूरत की सारी चीजें यहां पर हैं और साथ में अटैच्ड बाथरूम भी, आपकी फुल प्राइवेसी रहेगी। ये हॉल और ये किचन, जरूरत की जो भी चीज आपको लगे आप बेझिझक मुझसे बोल सकती हैं। आप नहीं रहते यहाँ? मेरा रूम ये सामने की तरफ है। वैसे दिन में मैं अपने रूम में रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ। अगर आपके दिमाग में और कोई बात है तो आप पूछ सकती हैं। वैसे पेमेंट के बारे में मैं आपसे बात कर चुका हूँ, हर महीने की 1 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाया करेगी। और कौन कौन रहता है यहाँ पे? मैं और मेरी वाइफ, कहने को तो बेटा बेटी, बहू दामाद, पोता पोती सभी हैं, लेकिन सब कनाडा और अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं।
साल दो साल में आ जाते एक दो बार मिलने। अच्छा आप रेस्ट करिए, मैं अभी आता हूँ। जी अब आपकी दवाई का वक्त हो गया है, मैं एक मिनट में पानी लेकर आती हूँ। तुम यहाँ? ओह सॉरी सर, मुझे लगा पता नहीं कौन है तो बस मैं देखने चली। बुढ़े की जवानी अभी तक खत्म नहीं हुई है, उसका साथ देने वाली एक्सपायरी डेट के करीब है। फिर भी बुढ़ा अपने बालों पे कलर और मूंछों पे ताव देना नहीं छोड़ता। आनंद नगर यही है क्या? हाँ आनंद नगर यही है आनंद नगर। आप इनको पहचानते हो क्या? नहीं नहीं मैं पहचानता नहीं हूँ, प्लीज यहाँ दिखा नहीं कभी उन्हें। मैडम खाना।
वो दरअसल हॉस्पिटल में ये ड्रेस रोज पहनने की आदत थी, आज यहाँ दिख गई तो सोचा पहन लूं। अरे ये क्या कर दिया आपने? So sorry, वो गलती से गिर गया, सब गंदा हो गया। आप मेरा हाथ धुला देंगे क्या प्लीज? हाँ सर, आपके घर में सब कुछ है लेकिन कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। हाँ वो तो है, मैं अकेला खुद को क्या एंटरटेन करूं? हम दोनों एक इंडोर गेम खेल सकते हैं। गेम? क्या? मैं डॉक्टर और तुम नर्स। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैं यहाँ पर सिर्फ मैम की देखभाल करने आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लड़कियों को मैडम की देखभाल करने के बहाने उनका शोषण करते हो? नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मुझे गलत ना समझो। तुम सॉरी, कल के लिए मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? ठीक है माफ कर दूं, लेकिन एक शर्त पर। क्या? आपको कल वाली गेम मेरे साथ अभी खेलनी पड़ेगी। तुम डॉक्टर, मैं पेशेंट। लेकिन कल तो तुम मना कर दिया था, क्योंकि कल ना मैं थोड़ा कम बीमार थी और ड्यूटी पर भी थी, लेकिन आज आपकी पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी तो सिर्फ गेम खेलने की बात हुई थी, आप तो सच में कुछ कर रहे हैं। और अगर करना ही है तो ठीक से कीजिए ना डॉक्टर साहब। तुमने तो मेरी बीवी का इलाज करते करते मेरा भी इलाज कर दिया। मुझे हर तरह की बीमारी का इलाज करना आता है सर।
अच्छा तुमने मेरे बारे में तो सब जान लिया, लेकिन अपने बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया। और कौन है तुम्हारे परिवार में? मेरे परिवार में कोई नहीं है सर, मैं अनाथ हूँ। और शादी? अभी तक शादी नहीं हुई, क्योंकि आपके जैसा लायक इंसान कोई मिला ही नहीं। पापा, 2 दिन हो गए घर ढूंढते ढूंढते, मम्मी का घर कब मिलेगा? मुझे ना उसका एड्रेस लेकर रख देना चाहिए था। पापा आप क्यों मोबाइल में चेक करो ना। भैया आदर्श नगर यहाँ से कितना दूर है? दूर है, बस पकड़ना पड़ेगा 2-3 मिनट। आज रात को हम इसी एरिया में कहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है पापा। चलो जल्दी से दूध खत्म करो, चलो। अच्छा हुआ तुमने इस घर की जिम्मेदारियां संभाल ली, अब मैं कम से कम बाहर के काम भी अपने निपटा सकता हूँ। कौन से काम है? कुछ विवादित प्रॉपर्टीज के काम, मैं सोचता हूँ कि आज ही निकल जाता हूँ। भैया आप इनको पहचानते हो क्या? इसी एरिया में रहती है कहीं? अरे ये तो अपने मदन बाबू का बंगलो है। एक काम करिए, यहाँ से ना सीधा जाइएगा, वो अंत में ना 3रा बंगलो है। थैंक यू, वेलकम वेलकम। यहाँ कैसे? मम्मी। अरे तुमसे मिलने के लिए बहुत रो रही थी पूजा। कितनी बार तुमने फोन ट्राई किया और तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। वो पता नहीं मेरा फोन खराब हो गया है, बेल ही नहीं बजती है। पर तुम दोनों को यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? अरे तुमने अपना फोटो भेजा था ना, उसमें एड्रेस भी दिख रहा था, मुझे तो याद ही नहीं रहा, बाद में पूजा ने याद दिलाया। हाँ मम्मी। अब दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? हाँ, चलो। आप लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ फैमिली अलाउड नहीं है। मेरी नौकरी चली जाएगी और हम सब फिर से सड़क पर आ जाएंगे। मतलब ऐसी कौन सी नौकरी है जहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं है? लगता है मैडम जाग गई हैं। टीना एक बात बताओ, हम यहाँ पर तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि ये जॉब सिर्फ सिंगल नर्सों के लिए थी, और अगर मालिक को तुम लोगों के बारे में पता चल गया ना तो। मम्मा आप परेशान मत हो, मैं अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे मेरी मम्मा के साथ 5-6 दिन रहने दे, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पक्का। हेलो। हेलो। हाँ मैं 1 घंटे में घर पहुंच रहा हूँ, खाना बना कर रखना, आज तुम्हारे हाथों से ही खाऊंगा। मालिक आ रहे हैं, तुम लोगों को अभी यहाँ से निकलना होगा। नहीं मामा, हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ ही रहूंगी।
बेटा अभी आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मम्मा आपसे मिलने जरूर आएगी, ठीक है? मैं इतनी रात को पूजा को लेकर कहाँ जाऊंगा? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? अभी चलो, आ जाओ। अब मुझे जाना होगा। नहीं मम्मा, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे आपके साथ रहना है। मम्मा को जाना होगा, मम्मा को नौकरी भी करनी है ना। पर कोई बात नहीं, मम्मा ना रोजाना आपसे थोड़ा थोड़ा समय करके मिलने आती रहेगी, ठीक है? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों करनी है ऐसी झूठ की नौकरी जो अपनों से ही दूर रखे। अरे छोड़ क्यों नहीं देती है नौकरी? छोड़ दो मतलब क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे 100 रुपए रोज की नौकरी के भरोसे बैठी रहो? पूजा जाने दे अपनी मामा को। बस वही लेने चली गई थी। आगे से कहीं भी जाओ तो मुझे बताकर जाना। अब तो मैं अपने हर सांस की गिनती भी आपको बताने वाली हूँ। एक बात कहूँ? बोलो। आप तन और मन से 25 साल के लगते हैं, तो किसी 25 साल की लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? वो आज है और कल नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये बात आप और हम दोनों जानते हैं। लेकिन जब तक सावित्री जिंदा है वही मेरी पत्नी है। और अगर वो गुजर जाए तो? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सावित्री मेरी पत्नी है और उसके कारण ही तुम्हारी नौकरी है। सुनो, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गई हो? अरे दीदी आप डरो मत, मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी कि आप बिना मास्क के सांस ले पाओगे या नहीं। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि तुम क्या करना चाह रही थी। अच्छा,
जैसे कि आप तो ये चाहते ही नहीं ना, मैं आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ, और आप भी यही चाहते हैं कि सावित्री मर जाए। मैं भी चाहता हूँ कि वो मर जाए, लेकिन अगर अभी मरी ना तो मेरी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। मतलब? ये सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस सावित्री के नाम पर है, और सावित्री ने अपनी बहन को नॉमिनी बना रखा है। अगर अभी मैंने सावित्री को मार दिया ना तो सारी की सारी प्रॉपर्टी सावित्री की बहन के नाम पर हो जाएगी, और मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। पहले मुझे इससे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, और इसलिए मैं इसकी इतनी सेवा कर रहा था और इसके ठीक होने का इंतजार कर रहा था। तुम हंस क्यों रही हो? बस इतनी सी बात, ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम लोग फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? फिर क्यों आ गए? मतलब पूजा सारा दिन तुमसे मिलने की रट लगाए रहती है, और तुम हो कि हमें धर्मशाला में छोड़ने के बाद एक दिन भी हमसे मिलने नहीं आई। तुम समझ नहीं रहे हो विवेक, अगर मालिक ने हम सबको यहाँ देख लिया ना तो हम सबके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कौन है ये? वो जहां मैं पहले रहती थी ना, तो ये बच्ची भी मेरे साथ ही रहती थी। अब इतने सालों के बाद इसे इसके पापा मिले हैं, तो बस मुझसे मिलने चली आई। हाँ हाँ, अब हम चले जाएंगे सर। मम्मी आप झूठ क्यों बोल रही है? झूठ बोलना गलत होता है। अंकल मैं बताती हूँ, ये मेरी मम्मी है और ये मेरे पापा है। और पापा आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? पूजा बेटा चल घर चलते हैं। मम्मी आप डर क्यों रही है? अगर अंकल आपको घर से निकाल देंगे तो आप हमारे साथ वापस घर चलना। मैं आपको सब समझाती हूँ, इन लोगों को रिक्शा में बैठा कर आती हूँ। चलो 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 चलो। मैं कह रही थी कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम शादीशुदा नहीं हो। मैं समझ गया, तुम मुझे फंसाकर इस प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी ताकि अपने पति के साथ तुम यहाँ पर सेटल हो सको। हाँ, मैंने आपसे झूठ बोला मेरी शादी के बारे में, पर मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है, और मुझे मेरे पति से बिल्कुल प्यार नहीं है, और ना ही उसकी गरीबी से। और वो बच्ची? मुझे तो मेरी लाइफ में बच्चा चाहिए ही नहीं था, लेकिन वो पति ने धोखे से मेरा भरोसा करो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, और आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब आगे क्या करना है? हम अकेले अकेले कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें साथ रहना है तो साथ मिलकर कुछ करना पड़ेगा।
सावित्री को देखभाल करने आई टीना जायदाद और पैसे की लालच में इस हद तक गिर गई थी कि उसने सावित्री को जिंदगी देने के बजाय मौत के हवाले कर दिया था। वही दूसरी ओर टीना की करतूतों से अज्ञात विवेक और पूजा को भी टीना ने खुद से दूर कर दिया था। इसके बाद टीना क्या करने वाली, उसके शातिर दिमाग में क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता। ऐसे में मदन ने उसका कितना भरोसा किया और इन सब का असर विवेक और पूजा की जिंदगी पर कितना हुआ, आइए देखते हैं। इतने दिन हो गए, एक दिन का भी किराया नहीं दिया। रूम खाली करो जल्दी, मैं आ रहा हूँ। भाई साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं कैसी बात कर रहा हूँ? किराया तुम नहीं दे रहे हो और मैं कैसी बात कर रहा हूँ? अरे लेकिन मैंने तो आपको कहा था कि मेरी पत्नी आकर भाड़ा देगी। कौन सी पत्नी, किसकी पत्नी? जिस दिन से रूम दिलाया है उसके बाद से एक दिन भी नहीं आई। आज के आज मुझे रूम खाली चाहिए, नहीं तो मैं वहाँ आके तुम्हारा सामान घर के बाहर फेंक दूंगा, समझे तुम? भाई साहब हेलो हेलो हेलो। अब तो सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो गई है, तो अब मैं आपके बच्चों की नई मम्मी कब बनूंगी? ये लोग यहाँ? ले जाओ अपनी पत्नी को यहाँ से। नहीं रखना मुझे इसको नौकरी पे अपने यहाँ। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ सही कह रहा हूँ। मुझे तुमसे जो काम करवाना था वो मैंने करवा लिया। हाँ निकल जाओ यहां से। कोई बात नहीं साहब, मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के टीना को नर्सिंग की डिग्री दिलवाई है। मेरी पत्नी बहुत होशियार है, उसे कोई ना कोई नौकरी जल्दी मिल जाएगी। हाँ हाँ दिलवा देना, लेकिन निकलो अभी यहां से। हाँ भैया कहाँ हैं आप? हाँ जी 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। खाना आ गया। चलो चलो जल्दी से खाते हैं। अच्छा सुनो मैं अभी आती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? एक फोन आया था, नौकरी के लिए बात करने जा रही हूँ, जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। हाँ। हाँ तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है, अब बस तुम जल्दी आ जाओ। अब तो सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो गई है, तो अब मैं आपके बच्चों की नई मम्मी कब बनूंगी? बहुत जल्दी,
लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने पति और अपने बच्ची को रास्ते से हटाना होगा। तुम घबराओ मत बेटा, हमें साथ एक काम करो, तुम उसको लेके गाड़ी में चलो, वहाँ जाके देखते हैं क्या हुआ, ठीक है? घबराना नहीं है बेटा, चलो। कहाँ है तुम्हारे पापा बेटा? पापा यही थे अंकल, वो यहाँ पर बेहोश होकर गिर पड़े थे। कहीं गए होंगे तुम्हारे पापा। अच्छा चलो, मुझे तुम उनका नंबर बताओ जल्दी। 9265। बेटा उठो जल्दी, एक एम्बुलेंस इधर भेजो। तुम चलो यहाँ से। एक काम करो, तुम लड़की को लेके हॉस्पिटल जाओ, तब तक मैं उसके फादर का नंबर ट्रैक पे डालता हूँ। ये तो जिंदा है। अब यहाँ तक पहुंच गए ना, तो अब ये जिंदा है या मरा हुआ इस बारे में मत सोचो। देखो, अगर जिंदगी में आगे खुश और आराम से रहना है ना, तो इसे खत्म करना ही होगा। लोकेशन के हिसाब से तो यही घर लग रहा है। ये काली गाड़ी, पुलिस, पकड़ो इनको। सर ये तो जिंदा है, तो जल्दी हॉस्पिटल लेके जाओ। चले, लेके चलो इसको। अरे पर छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस ने विवेक और पूजा को तो बचा लिया था, लेकिन उसके साथ साथ पुलिस को उसी कैंपस में एक और गड्ढा मिला जिसमें सावित्री देवी की लाश थी। कहते हैं ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, जहां एक और मदन टीना के शरीर की लालसा में था, दूसरी ओर टीना के दिमाग में मदन की दौलत का भूत सवार था। टीना पर आंख बन करके विश्वास करना, उस पर निर्भर रहना विवेक और उसकी बेटी के लिए जानलेवा साबित हुआ। ठीक ऐसे ही मदन के बच्चों की अपने बुजुर्गों के प्रति लापरवाही, उन्हें अकेला छोड़ना उनके लिए खतरनाक साबित हुआ। आजकल महानगरों में ऐसे कई वारदातें सामने आती हैं, जहां अज्ञात लोग जायदाद के लालच में अकेले रह रहे बुजुर्गों को मौत के घाट उतार देते हैं। हम चाहे कहीं भी हैं, कितनी भी दूर रहें, लेकिन अपने घर परिवार और अपने बुजुर्गों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है।
तो नजर रखिए अपने आसपास ऐसे किरदारों पर, लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।